बिया कर माय जल्दी खाना बना हन खेत बटे जाए खे पानी देखे ले तोहे तो उठ के जी खाना ही खोजी ना जा तो पानी देख के आबे दोइन भोर से तबे आए के खाना खावे रात के हम खाना नहीं खाई हो जल्दी जल्दी खाना बनाओ बहुत जोर भूख लाई हो मुंह मत चलाओ खाना बनाओ चूल्हा के देखते रहो मैं रोपनी खोजे ले जात हो जा जा गांव बटे खोजते रहो बोलते रह घूमे नहीं जाती हो गांव बटे रोपनी खोजे ले जाती हो ठीक है जा जल्दी आबे जा जोहार दीदी जोहार कहाँ जात रही दीदी तो बिहाने बिहान तोहने से तो मिले ले आवत रही का बात रहे दीदी जे इतना बिहाने बिहान हम इनके खोजे जात रही हम इनकर दोइन में श्री विधि रोपा रोपे के ले आए से ले तुह इनके खोजे जात रहो श्री विधि धान के सन रोपल जाएला से के बतावे दीदी का हाँ बतामू अच्छा ठीक दीदी 10 बजे आबा मोर घर और श्री विधि धान रोपे ले जाबा मोर दोइन में आर मैं बताबू ठीक दीदी 10 बजे तोर घर आवा और खेत जाए के रोपा रोपे सिखावे श्री विधि वाला ठीक आबा और सिखावन ठीक दीदी हमरे जाती 10 बजे आबे जोहार जोहार आसरा देखत रही है चला तब जा भाई चला आ जा भाई अच्छा दीदी खेत कर तैयारी तो नया तरीका से दिखा थे कैसे कैसे तैयारी कर रहा बतावे थोड़े दीदी श्री विधि धान का खेती करे के लिए पहले 3 बार जोताई करे पड़ेला अच्छा दीदी खेत में घना जीवामृत भी डाली सला एक बारे में तो हम इनकर समूह में चर्चा हुई रहलक हाँ डाली ला घना जीवामृत डाली ला अंतिम जोताई में 1 एकड़ के लिए 200 किलो घना जीवामृत डाली ला उकर बादे दीदी हमें खेत कर चाहिए कोना से 1.5 फीट कर नली बनाए के पानी कर निकासी करेला अच्छा दीदी धान कर खेती करे के लिए तो पानी कर बहुत जरूरत पड़ेगा लेकिन खेत से तो पानी की निकलाए दवा थे श्री विधि धान खेती लगाए के लिए ज्यादा पानी कर जरूरत नहीं पड़ेगा ज्यादा पानी होल से के निकलाए देला हाँ दीदी खेत का तो अच्छा से तैयारी हो गए चला तो बीड़ा उखरा जाब हाँ दीदी चला हाँ दीदी बीड़ा तो बड़ी सुंदर लगा थे दिशेक में हम इनकर बीड़ा तो थोड़ा बड़के बड़के हुए ला हाँ दीदी बीड़ा तो सुंदर तो दिखत है 8 से 14 दिन में हमरे लगाई लाई बीड़ा के हाँ दीदी बीड़ा तो कितना छटका लगा थे का हाथ से उखड़ा वाला तो ही नहीं हाथ से नहीं उखड़ाई ली के कुदाल से निकलाई इकर माटी सहित ले जाना है कि जड़ नहीं टूटे चाहिए इके कुदाल में ऐसे करके उखड़ा है ना मिट्टी के साथ देख दीदी जे खेत कर तैयारी के रिसे 1.5 फीट कर नली बना ही चाहिए हाँ दीदी तो 1.5 फीट है हाँ दीदी खेत कर बीच में भी नाली खींचा का हाँ एती श्री विधि धान लगाए के लिए ज्यादा पानी कर जरूरत नहीं पड़े ला सेले 20 फीट कर बीच में भी 1.5 फीट कर नली बनाई ला हाँ दीदी अगर खेत बड़का रही तो 1 ठो नाली खींचे हुई का नहीं 1 ठो नाली नहीं खींचे हर 20 फीट में और नली बनाए पड़ी
अच्छा दीदी, धान कर अथी खेत में बांस कर साचा काहे लगा हिस? बांस कर साचा ही ले लगा ही कि साचा के लगाए के चिन्हा हो जाएला, दस दस इंच कर दूरी में एक ठो अथी पौधा के रोपे के ले। अच्छा दीदी, सही में दस इंच कर दूरी है? हाँ, दस इंच कर दूरी है। हाँ दीदी, सही में है। दीदी, साचा कर निशानी तो बहुत बढ़िया आ जाए, कर में कैसे रोपल जाए? हाँ, एक एक ठो गाछी चारों कोना में रोपना है। वाला सच्चा से रोपत रही, रस्सी कर एक चिन्हा बना के दस इंच कर चिन्हा बना के इसनो से रोप सकीला। अच्छा दीदी, इसनो रोप सकीला? हाँ, ए दीदी, ए रस्सी में दस इंच कर दूरी में फुदना एगो लगा ही चिन्हा। हाँ दीदी, दस इंच कर तो है। ये दस इंच रोप के पूरा करके आगे और दस इंच में रस्सी लगा के फिर आगे रोपना है। देखला भाई बहिन मन, श्री विधि से कैसे रोपा कर ली। ई बीड़ा के हमीन 8 से 14 दिन तक में रोपाई कर देवीला। ई बीड़ा कर जड़ सुरक्षित होए के चाही और बीड़ा के सावधानी से रोपे के समय 10-10 इंच में दूरी पर माटी में रोपे के चाही, जेकर से पौधा वृद्धि होएला और जड़ मजबूत होएला। से ले भाई बहिन मन, श्री विधि खेती के अपनावा और उपज अधिक पावा। जोहर।